हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू एक्सप्लोर। और अभी मैं बताऊंगा आपको 21 सितंबर को एसएससी एमटीएस में पूछे गए कुछ जीके के क्वेश्चंस, जीके और जीएस के क्वेश्चंस, जो 21 सितंबर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये हाल ही में हुआ है, तो इसका आंसर शायद आपको पता होगा। इसका आंसर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फाइनल में हराया था। और इस मैच में पांड्या, हार्दिक पांड्या ने 83 स्कोर किया था, बहुत कम गेंदों में किया था, और उन्होंने आतिशी पारी खेली थी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अधिकार निहित है, लिखे हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 6। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 राइट्स और 10 ड्यूटीज लिखा हुआ है। इसमें राइट्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ड्यूटी को भी क्लियर कर लो कि 10 ड्यूटीज हैं लिखे हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में, एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में, ये कर्तव्य या ड्यूटी पूछ दे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये प्रति व्यक्ति औसत आय दिखाता है किसी भी कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। तो आपको पता है कि इंडिया पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1950 को बना, लेकिन इससे 20 साल पहले ही घोषित किया जा चुका था इंडिया एक पूर्ण स्वराज, और वो कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था, और कांग्रेस के उस समय प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था भारत एक पूर्ण स्वराज बन गया है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज। तो ये कहना क्या चाहता है, वो आदमी जो डिक्शनरी को बनाता है। तो डिक्शनरी कैसे बनता है, इसमें आप देखे होंगे कि पहले ए से शुरू होता है, फिर बी से शुरू होता है, फिर सी से। तो ये लेक्सिकोग्राफर, ये लेक्सिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ये वर्ड्स। तो जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। इस क्वेश्चन में सारे कंफ्यूज होते हैं। सबको पता है कि 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन ये अब 8 रह गया है। इसका सही आंसर होगा 8। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को ग्रह की मान्यता अब उससे हटा दी गई है, प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। तो पहले टोटल 9 हुआ करता था, लेकिन अब ये 8 प्लैनेट है यूनिवर्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the time period of a simple pendulum in space? तो simple pendulum in space, space में क्या होता है कि simple pendulum का weightless हो जाता है, यानी कि उसका weight नहीं रहता है, और उसका acceleration हो जाता है 0। और acceleration 0 हो गया तो उसका time period infinity पहुँच जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से divide करने पे वो infinity हो जाता है। तो इसका सही answer होगा infinity। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन स्पेस इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ कोड्स ऑफ अंटार्कटिका। इसका आंसर होगा यशवर्धन शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनर। इसका आंसर होगा लालकृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी के बुजुर्ग नेता हैं। इसे इस बार लोकसभा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द रेडियो रेडियो का आविष्कारक से तो वैसे ही हर शिफ्ट में एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो रेडियो का आविष्कारक ये पूछा, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इसका आविष्कारक मार्कोनी होगा, रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी है। इसका पूरा नाम है गुलीएल्मो मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन व्हिच कंट्रीज, पंचशील का समझौता किस कंट्री के बीच हुआ था, तो पंचशील का समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, और ये हुआ था 1954 में, उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो पंचशील समझौता इंडिया और चाइना के बीच हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये ऑटोबायोग्राफी था पंडित रविशंकर का, जो एक सितार वादक भी है। इसे आप जान लो कि पंडित रविशंकर सितार वादक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वाद्य यंत्र से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी एमटीएस में। तो माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पंडित रविशंकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।